नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बहिन के धौरिया मोहल्ले में सफाई नहीं होने से रास्ते में दूषित पानी घरों के सामने फैला हुआ है। नालियों में बगैर सफाई बदबू आने लगी है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। सफाई कर्मी काम करने को राजी नहीं है। लोग बीमारी फैलने की आशंका से भयभीत हैं। बहिन ऐतिहासिक गांव में शुमार होता है। बहिन में उप तहसील भी बनाई हुई है, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। गांव के धौरिया मोहल्ले की गलियों की सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। गांव में कहने को तो चार सफाई कर्मी है, लेकिन सफाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों ने सफाई व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम की मांग प्रशासन से की है। वहीं सतीश रावत ने बताया कि मोहल्ले में सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सफाई कर्मी सप्ताह में एक दिन भी सफाई कर दें तो काम चल जाए। वहीं सोनू सिंह रावत का कहना है कि उनके घर से लेकर पूर्व लक्ष्मी फौजी के घर तक सफाई का बुरा हाल है। कई दिनों से यहां मृत कुत्ता पड़ा हुआ है। हथीन से हमारे संवाददाता राहुल रावत की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।